हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स ट्री। ये क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन है करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर एंड इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी इज 20 डिवीजन पर वोल्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो बच्चों, सेंसिटिविटी का मतलब समझ लो। करंट सेंसिटिविटी मतलब 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर। यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दिस कि एक डिवीजन इज एक्चुअली 1/5 मिली एम्पियर। 5 डिवीजन से टर्न होता है 1 मिली एम्पियर का करंट इंक्रीज करने में। तो एक डिवीजन से कब मूव होगा? 1/5 मिली एम्पियर का करंट इंक्रीज होने में। यूनिटरी मेथड लगाना सीख लो इसमें। ऐसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी इज 20 डिवीजन का फ्लक्चुएशन पर वोल्ट। इसका मतलब एक डिवीजन का फ्लक्चुएशन कब होता है? एट 1/20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस चेंज। इससे आप समझ सकते हो कि अगर एक डिवीजन का डिफ्लेक्शन आ रहा है तो V=IR में आपको V की वैल्यू कितनी पुट करनी चाहिए? 1/20 और I की वैल्यू 1/5। यानी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए जब आप V/I यूज करोगे, एट सम पॉइंट अगर एक डिवीजन का डिफ्लेक्शन आया गैल्वेनोमीटर में, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? 1/20 वोल्ट। और करंट की वैल्यू कितनी है? 1/5 मिली एम्पियर। मुझे SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस विल बी 1/20 अपॉन 1/5 इंटू 10^-3। अब ये वोल्ट अपॉन एम्पियर आ गया एंड द फाइनल रिजल्ट विल बी 1000/4 ओम, दैट इज 250 ओम। मैंने कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दी, आप खुद से सॉल्व करके देखो। एक दो बार अटेम्प्ट करोगे, आंसर आपका आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? ये करंट सेंसिटिविटी का मतलब और वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब आपको समझ में आना। इज दैट क्लियर? अगर करंट सेंसिटिविटी दी हुई है n डिवीजन पर एम्पियर, तो इसका मतलब है एक डिवीजन से सुई तब रोटेट करती है जब 1/n एम्पियर करंट आता है। ओके? अगर ये यूनिटरी मेथड समझ में आ गया तो इसका कोई भी क्वेश्चन आपसे बड़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। वंस अगेन, माय नेम इज अंशुल गुप्ता। आई एम टीचिंग एट द फिजिक्स ट्री इन जनकपुरी, दिल्ली। टेक केयर, गुड लक।